यस हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, कैसे सी लो मस्त। तो परस आ गया है फिर एक और नए फील्ड में। भाई ये वाला वीडियो में क्या होता है कि हंगर पे हम लोग जाते हैं और हंगर पे इतना गलत वाला फाइट होता है, इतना गलत वाला फाइट होता है। उल्टा जोन भी उधर नहीं है, तो अब जोन उधर नहीं है तो आप लोग गेस करो हमारे साथ क्या होता है। बहुत ही गलत वाला सीन। तो यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग सोचे कि चलो कुछ नया ट्राई करते हैं। बार बार पीक ही जा रहे हैं, बार बार क्लॉक टावर ही जा रहे हैं, जैसे हम लोग चलो भीमा शक्ति उतर, ये समझ के यहाँ पे बंदा उतरा। बट यहाँ पे कोई बंदा नहीं उतरता, सिर्फ और सिर्फ एक स्क्वाड रहता है जिसको जिसका सारा तीन एक स्क्वाड हम लोग को देख के भाग जाता है। अकेला एक बंदा रहता है, एक स्क्वाड उतरता है पहाड़ी पे, पहाड़ी से आप कटीलिसवा वगैरह चलाता है। और ये देखो यही उस स्क्वाड मेंबर का एक अकेला बंदा रहता था जो कटीलिसवा वगैरह भाग गया उसी स्क्वाड मेंबर को। और ये इतना नूरा था कि हमको फिनिश करना चाहिए। तो ये पगला पहले अपना क्या कहते हैं वो हील कर रहा है, वो कर रहा है कोरोना में लगा के, बताओ इसी को कहते हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मेरा तो अच्छा हो गया भाई, हम तो फिनिश होने से बचेंगे। तो फिर इसको लूट पाट करके हम लोग यहाँ से क्या कहते हैं कटीलिसवा चले जाते हैं, क्योंकि वो वाला जो स्क्वाड रहता है पहाड़ी वाला उसको ढूंढते ढूंढते, क्योंकि वो वाला स्क्वाड जो है वो वहीं पे उतरता है, ठीक है, मतलब उतरता पहाड़ी पे बट शायद लूट करने के लिए वहाँ पे चला जाता है। तो उसका हम लोग को स्क्वाड का मेंबर सारा स्क्वाड भी हम लोग वहीं पे मिलता है। देखो यहाँ पे जा रहे थे, हमारा टीम पूरा स्क्वाड से लड़ रहा था जिसमें उसको तीन बंदा को लिटा दिया था। आखिरी बंदा बचा हुआ था जो यहाँ पे देखो भाग के आया और एक दो तीन फट से गया उसका, ऐसा पूरा स्क्वाड मेंबर चला गया। तो ये भाई कभी भी अगर आप स्क्वाड को वाइप करते रहो तो पूरा स्क्वाड को वाइप किया करो, एक भी उसका बंदा को नहीं छोड़ा करो, नहीं तो जो हमारे साथ होता है ना भाई पूरा अकेला वाला बंदा ले लेता है भाई पूरा स्क्वाड को जिंदा करके, वही हो जाएगा साथ में। तो इसलिए जब भी जिंदा करते हो तो पूरा स्क्वाड को जिंदा, मतलब जब भी मारा करते हो तो पूरा स्क्वाड को मारा करो। तो यहाँ पे क्या होता है कि फाइट हो जाता है हम लोग का क्लॉक टावर से। तो हम लोग तो मेरा प्लान क्या था कि हम जाके उसको उलझाते हैं और तुम लोग मार दो, क्योंकि अगर हम जाएंगे तो उन लोग का सारा ध्यान हम पे हो जाएगा। तो यहाँ पे हम जा रहे थे और हमको भाई डैमेज लोग को पढ़ना जो चालू, तो उन लोग का पूरा ध्यान मेरे पे हो गया। उतना देर में ये लोग लाइन ऑफ फायर में आ जाता है टीजीएस के, वो एक ही बार में तीन बंदा को नॉक कर देता है। हम भी इधर थोड़ा थे कि हम भी मानेंगे यार एक आधु को, हम यहाँ से सीधा सीधे जा रहे थे भाई, फैक्ट्री से बंदा आ रहा है भाई साहब, यहाँ से डैमेज अचानक से कर दिया। और एक तो वो भी नहीं करने के लिए, हील भी नहीं करने के लिए दिया, और उल्टा यहाँ पे हम थोड़ा सा देखो तीन नंबर नॉक हुआ से हम भी थोड़ा सा उसमें आ गए। हेड इसको लगा तो हम थोड़ा कि मरेगा बट हम ही नॉक हो गया। हम तीन नंबर वहाँ पे नॉक हुआ तो हम यहाँ पे थोड़ा सा घबरा गए कि अब तो गए, बट नहीं कुछ नहीं हुआ। बस यही एक बंदा बचा हुआ था, क्या कहता बाकी जो सामने वाला था उसका पूरा स्क्वाड वाइप हो गया। अभी अगर आप कोई भी स्क्वाड को उलझाने के लिए जाते हो तो सारा ध्यान आप पे हो जाएगा, तो उसका चांस है कि आप मरो ही। तो इसलिए हम मर गए तो हमको इतना दुख नहीं हुआ, क्योंकि पता था यार मरना ही है हमको। तो ऐसे भी ये लोग मतलब अच्छा फायर वगैरह अच्छा करता है, तो हम जब भी रिकॉर्ड ऑन करते तो मैं लैग करता है, इसलिए यही लोग सही। देखो इसको डैमेज पड़ा तो यही वो सामने वाला मना मारा जो हमको मारा, तो ये लोग उससे लड़ रहा था, उन लोग को भी मार के ये हमको रिवाइव दे दिया हंगर पे। अब यही पे वो सेम चीज़ होता है, देखो हंगर में क्लॉक टावर का तो स्क्वाड हम लोग वाइप कर दिए, अभी बचा यहाँ हंगर वाला। यहाँ पे हम लूट वगैरह कर रहे थे तभी लोग बोला कि भाई बंदा आ गया बंदा आ गया, हम बोले हाँ भाई आ रहे मारेंगे बंदा को, चिंता नहीं करने का। तो हम यहाँ पे जा रहे थे ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है कि हमारे राइट वाला घर, लेफ्ट वाला घर और सामने वाला घर चारों तरफ से हो जाता है फाइट। देखो पीछे से ही फाइट होता है, लेफ्ट वाला अपना जो राइट वाला घर है ये मेरा भी, उधर भी लेफ्ट से भी और पीछे वाला घर से भी। देखो इधर से भी फाइट होता है अपना, इधर से भी फाइट होता है जहाँ पे हम अभी सामने, और इधर तो हो ही जाता है, इधर भी तो होता है स्टार्टिंग का भाई साहब। और बीच में हम लोग थे भाई, मेन हमको ये बताओ बार बार बीच में हम ही लोग क्यों फंसते हैं ये हमको पहले तुम बताओ। देखो ये बंदा आ गया और ये भाई एक तो क्रॉसबो चला रहा था भाई साहब, एक तो क्रॉसबो चला रहा था भाई, इसको ये थोड़ा सा क्या कहते हैं कवर बार बार जाता है, इसलिए हम बस मौका एक बार ढूंढ रहे थे। तभी एक और बंदा आता है, ये दोनों अपोनेंट रहता, देखो पीछे से बंदा आ गया, तो ये दोनों और हम लोग के पास यहाँ पे हील और एमो दोनों का कमी था। अब इसका अपोनेंट आ जाता है वहाँ से, तो हमको लगा कि वो टीममेट है और हम यहाँ पे इसको नॉक कर दे, क्योंकि नॉक हुआ था हमको लगा टीममेट है। तो उसके बाद फिर ये क्या आता है, ये एक रश कर देता है हम लोग पे, शायद उसको पता नहीं था यहाँ पे लैंड वैन वगैरह लगा हुआ, तो ये रश कर देता और फिर मेरा यहाँ पे ग्रोजा वगैरह निकल जाता, बताओ शॉर्ट गन तो फिनिश हो जाता। तो इसीलिए हम लोग को लगा कि ये उसका टीम है, बट ये उसका टीम नहीं था, ये कोई और था, और उसका टीम मेंबर उसको रिवाइव भी नहीं देता भाई, ऐसे ही छोड़ देता है उसको मरते हुए। तो फिर यहाँ पे क्या होता है कि वो तो गया, तो सामने वाला हमको लगा कि फिनिश हो गया, बट उसका टीम आ जाता है।
जब तक वो आता है तब तक ये मर जाता है। तो अब उसका टीम आ गया और प्लस पीछे आ गया, अगल बगल सब जगह बंदा आता है। देखो ये देखो पीछे से आ गया राम नाम विलेज से बंदा आता, तब चारों तरफ से भाई बीच में हम ही लोग हमेशा रहते हैं भाई, चाहे वो टावर हो, वॉच टावर हो, चाहे पीक हो, कुछ भी हो यार, बीच में हम ही लोग हमेशा फंसते। देखो वो देखो वो देखो, अपने पीछे भी देखो रेड कलर का साइन आ रहा है, सामने ही बंदा, मतलब कितना मारे। एक तो भाई क्या कहते हैं, अपने पास हील नहीं है, अगर हील रहता ना तो हम लोग फाइट ले लेते, बट हमारे पास हील नहीं है। और देखो क्रॉसबो चला रहा है एक, ये देखो क्रॉसबो चला रहा है एक भाई, एक तो भाई क्रॉसबो है गन सही, बट उससे हील बहुत गलत बना जाता है, दस दस पाँच पाँच का जाते ही रहे। क्रॉसबो गन बॉल सही है, उसका बन बम वाला गन बॉल है, जो गन बॉल कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या होता है, जोन आ रहा रहता है और दो नंबर नीचे होता जाता है, एक नंबर भी नीचे होता जाता है। अब हम यहाँ पे भाई थोड़ा सा डरे हुए थे, बट यहाँ पे तीन नंबर जो है वो नॉक हो जाता है, तो हम बोलते हैं कि हाँ हाँ मारे मारे, चिंता नहीं। अब हमको भी उतरना ही पड़ेगा ऑफकोर्स, क्योंकि जोन जो श्रिंक हो रहा है, अब क्या जोन श्रिंक होना चालू हो गया। अपने पास कुछ नहीं था भाई, मैडी भी नहीं था। ये देखो एक बंदा बोले अब तो इसको मारे हैं भाई, ये देखो ये हम इसको यहाँ पे नॉक कर देते हैं, बट इसका किल हम नहीं लेते हैं। उसके बाद फिर सामने देखो यहाँ पे बगल में नेडिंग नेडिंग नेडिंग, हम सॉरे हम सोचे कि मारेंगे, लेकिन तब तक मेरे हाथ में गन भी नहीं था और उसके नेड से भी हम मर गए, तो जोन के कारण एक बार फिर से मरे। तो भाई जिसके लिए वीडियो चैनल प्लीज जल्दी से लाइक कमेंट शेयर सब सब कुछ करो, मिलेंगे कैसे बढ़िया से वीडियो में, तब तक लिए बाय।